हेलो फ्रेंड्स, हस्तरेखा जिसे पामिस्ट्री बोलते हैं, हस्त समुद्रिक भी बोलते हैं, उसके वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम जो श्रृंखला शुरू करने जा रहे हैं उसका टॉपिक है शादी, मैरिज। हाथ में मैरिज की अवस्था, मैरिज की होने वाली उम्र, मैरिज होने में आने वाली अड़चने, मैरिज के बाद आने वाली प्रॉब्लम्स, क्या संबंध रहेगा, क्या संबंध टूटेगा, क्या संबंध में मुश्किलें आएंगी या आपके पार्टनर की डेथ हो जाएगी, ये सारे सवालों का जवाब बहुत ही आसानी से, बहुत ही जल्दी से आप किसी को दे सकते हैं। मैं आशा करता हूं कि मेरी इस श्रृंखला को आप सिलसिलेवार बड़े ध्यान से देखेंगे, समझेंगे और इसका लाभ उठाएंगे। शादी का जो टॉपिक है, इतना बड़ा टॉपिक है, शादी में जिस दिन बच्चा पैदा होता है उसी दिन से ही अभिभावक जो बच्चे के पेरेंट्स होते हैं उसकी शादी के बारे में सोचने लग जाते हैं। लेकिन शादी का समय जब आता है, कई बार शादी लेट हो रही है तो पेरेंट्स को थोड़ी प्रॉब्लम आती है, थोड़ा टेंशन बन जाती है। कई बार शादी होने के बाद हस्बैंड वाइफ में अच्छी तरह बनती नहीं, फिर भी टेंशन हो जाती है। कई बार शादी होने के बाद हस्बैंड वाइफ लीगली अलग हो जाते हैं, ये भी एक टेंशन है। कई बार शादी होने के बाद आपका जो स्पाउस है, जो आपका पार्टनर है, उसकी डेथ हो जाती है। ये सब बातें हैं, लेकिन ये सब बातें आपको बड़े आसानी से मिलेंगी बहुत छोटे से हिस्से में। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये जो उंगली है बुध की, छोटे वाली उंगली, ये जो सबसे छोटी उंगली जिसको लिटिल फिंगर बोलते हैं, हाथ के बिल्कुल अंगूठे के दूसरी तरफ, इसको बुध की उंगली बोलते हैं। और इस बुध के नीचे करीब एक इंच के करीब, हाथ के साइज से छोटा या बड़ा होने वाला जगह, ये बुध का पर्वत होता है। ये बुध का पर्वत है, ये एरिया जो बुध का पर्वत है। और इसी के साथ यहीं से हम देखते हैं ये, मैं अब यदि आपको बताऊं कि ये सारा जो है ना, ये बुध का पर्वत है। इसी पे जो रेखाएं मिलती हैं उनको हम शादी की रेखाएं बोलते हैं, उनको हम शादी की रेखाएं बोलते हैं। और यदि हम इस बुध के पर्वत को ऐसे बनाएं, थोड़ी गोलाई दिए हुए, तो ये ज्यादा बढ़िया रहेगा। ये जो बुध का पर्वत है बिल्कुल इस उंगली के निचले भाग से शुरू होता है, ये बुध का पर्वत बन गया। आपकी शादी को लेके हर चीज यहीं छुपी हुई है, इस छोटे से एक इंच बाई एक इंच के भाग से। आपने बहुत ही तरीके से, बहुत ही सलीके से, अपनी समझदारी से शादी के बारे में सब कुछ बता देना है। यदि आपको ये पामिस्ट्री की जो विद्या है, इसमें आप शादी को अच्छी तरह से पढ़ा हुआ है, इसमें तरह तरह की रेखाएं होती हैं, कोई आडी कोई टेढ़ी, लेकिन ये जो सीधी रेखा होती है ये शादी की होती है। ये एक से ज़्यादा भी हो सकती हैं, एक से कई बार नहीं भी होती है। और उनकी जो दशा है, कई बार वो टेढ़ी मेढ़ी ऐसी होती हैं, कई बार वो यहाँ से त्रिशूल बना होता है, कई बार जहाँ से शुरू होती हैं वहाँ त्रिशूल बना होता है, ऐसे
कई बार ये टूटी हुई होती हैं, जैसे ये ऐसे ये, कई बार ये रेखा चलती है तो सीधी नीचे आके ये जो हमारी यहाँ से हार्ट रेखा शुरू होती है, जो ये हार्ट रेखा हमारी शुरू होती है बृहस्पति के पर्वत तक जाती है, कई बार एक रेखा यहाँ से निकलती है, मैं आपको दिखाता हूँ अभी, इनको हम डिलीट करते हैं, कई बार ऐसा ही होता है कि एक रेखा यहां से निकलती है और ये इस रेखा को काटती हुई नीचे चले जाती है। कई बार ऐसा होता है कि एक रेखा यहां से निकलती है, कई बार ऐसा होता है कि ये रेखा यहां से निकलती है, यहां पे क्रॉस मिल जाता है इसको, कई बार ऐसा होता है कि ये जो रेखा यहाँ से निकलती है वो ऐसे टूट जाती है, फिर आगे बढ़ती है, फिर टूट जाती है। कई बार ऐसा भी होता है कि रेखा यहाँ से निकलती है, सीधी यहाँ चले जाती है, ये पर्वत जो है सूर्य का पर्वत है, सूर्य के पर्वत में घुस जाती है। ये अलग अलग की रेखाओं की अलग अलग कहानी है और इस कहानी का ही हमने अच्छे से चित्रण करने की यहाँ पर कोशिश करनी है। आज मेरा मैरिज पे पहला लेक्चर है, आज मैं केवल आपको इंट्रोडक्शन दूंगा कि मैरिज के लिए हाथ में कौन कौन से कंपोनेंट अच्छे होते हैं। उसमें मैं पहले बताऊंगा कि ये बुध का पर्वत सबसे ही इम्पॉर्टेंट होता है, सबसे ही बुध का पर्वत इम्पॉर्टेंट होता है। ये जो लंबी रेखा है ये शादी की रेखा है और ये छोटी रेखाएँ जो आपके हाथ में हैं, दीज आर कॉल्ड लाइन्स ऑफ यूनियन। किसी से आपका शारीरिक रिश्ता जब जुड़ता है तो उससे ये रेखाएं पनपती हैं। जो ये लाल वाली रेखा है इसे हम बोलेंगे कि, जैसे मैं इधर बना के आपको दिखाता हूं, ये जो रेखा है ये वाली रेखा शादी की रेखा जो लंबी होती है, उससे पहले बनी हुई ये रेखाएं जो छोटी हैं ये लाइंस ऑफ यूनियन है, ये शादी से बनने वाले, शादी से पहले बनने वाले लव अफेयर वाले संबंध हैं। लव अफेयर में जो आपके किसी के साथ रिश्ते बने, शारीरिक रिश्ते बने, ये रेखाएं उनको दर्शाती हैं। और जो शादी की रेखा के ऊपर की रेखा है एक भी हो सकती है, दो भी हो सकती हैं, ये शादी के बाद बनने वाले संबंध प्रकट करती हैं, जिसको हम एक्स्ट्रा मैरिटोरियल अफेयर बोलते हैं। एक्स्ट्रा मैरिटोरियल अफेयर बोलते हैं जिसको शादी के बाद डेवलप होने वाले शारीरिक रिश्ते, और इनको केवल दो या तीन रेखाएं देखने के बाद किसी को शक करना गलत है, उस पर किसी का शक कर देना अच्छी बात नहीं है। हमें उससे पहले कई चीज़ें देखनी पड़ेंगी, हमें जो देखना पड़ेगा उसके लिए हमारा जो मेन काम होगा वो है ये पर्वत। ये शुक्र का पर्वत है, ये शुक्र का पर्वत, क्योंकि शुक्र जो प्लैनेट है ये शादी का कार का प्लैनेट है और शादी का इससे सीधा सीधा रिश्ता है। ये जो लाइफ लाइन के अंदर वाला भाग है ये शुक्र पर्वत कहलाता है, ये सारा शुक्र पर्वत है। इस पे उभार कैसा है, इस पे लाइंस कैसी हैं और इस पे कौन कौन सी रेखाएं हैं, क्या जाल बना हुआ है, ये शुक्र पर्वत है। लेट मी हाईलाइट इट, उसके बाद मैं आपको बताता हूं रेखाएं कैसी कैसी आती हैं इस पे।
इससे पता चलता है कि बंदे का पोटेंशियल, सेक्सुअल पोटेंशियल क्या है उसकी लाइफ में, और वो कैसे कैसे काम जिंदगी में कर सकता है। काम करता है कौन? काम आपका हमेशा ही जो काम करता है वो आपका दिमाग काम करता है। इसलिए हमें देखना है कि दिमाग की हालत कैसी है। कई बार इंसान तो बहुत कुछ सोचता है लेकिन दिमाग उसको काम नहीं करने देता, बोलता है ये गलत काम है, ये आपने करना नहीं है, ये रेखाएं यहाँ हो या ना हो ये मैंने नहीं रखता, मैंने रखता है आपका दिमाग कैसा है। किसी व्यक्ति का ये जो पर्वत है ये मून पर्वत है, ये आपकी, जैसे मैंने पिछले लेक्चर्स में बताए हैं आपको सारे पर्वत, ये चंद्र पर्वत है आपका, ये आपकी सोच शक्ति है, ये सारा इसके अंदर का जो भाग है ये आपकी सोच शक्ति है। आपकी सोच शक्ति कैसी है, अच्छी है बुरी है, उस पर कौन से ग्रह का प्रभाव आ रहा है, ये सारी चीज़ें बताते हैं। बहुत से लोगों को चांस मिलता है लेकिन वो कभी भी गलत तरफ जाते नहीं हैं, बहुत से लोगों को चांस नहीं मिलता, वो चांस ढूंढते रहते हैं। ये शुक्र का पर्वत, माउंट ऑफ वीनस, और ये वीनस है, माउंट ऑफ वीनस, और ये जो पर्वत है ये माउंट ऑफ मून है आपका। इसके बारे में भी हम पढ़ेंगे और ये भी जानेंगे कि इस पे कौन कौन सी रेखाएं, कौन कौन से इसके ऊपर साइन जो हैं वो बंदे को गलत तरफ लेके जा सकते हैं। ये वीनस के ऊपर भी हम पढ़ेंगे कौन कौन से साइन, कौन कौन सी रेखाएं इंसान को पथ भ्रष्ट कर सकती हैं। आज की डेट में आपको केवल एक ही याद रखना है, ये लेसन नंबर 1 है, मैरिज का लेसन नंबर 1। इसमें मैं आपको केवल एक ही बात बता रहा हूं कि ये जो सबसे लंबी रेखा है आपकी शादी की है, और उसके ऊपर पाए जाने वाले छोटी रेखाएं शादी के बाद पनपने वाले रिलेशनशिप की है, और उसके नीचे पाए जाने वाली रेखाएं शादी से पहले पनपने वाले रिलेशनशिप की हैं। ये 90% बिल्कुल ठीक होती हैं, 10% यदि इसमें वेरिएशन आती है तो वो 2-3 चीज़ों से आती है। एक तो चंद्र पर्वत का आपका ये चंद्रा, ये आपकी लाइन है मून लाइन, हेड लाइन जिसको बोलते हैं, इसका और इस पर्वत का स्थिति कैसी है। दूसरी, ये आपका शुक्र पर्वत है, ये शुक्र पर्वत इस रेखा के अंदर अंदर है, इस पे कौन कौन सी रेखाएं हैं, कौन कौन से चिन्ह हैं, ये बताने के लिए कि आपका शुक्र जो सेक्स का देवता है, जो शादी का देवता है, जो अफेयर्स का देवता है, आपके जिंदगी में सेक्सुअल कैपेसिटी का देवता है वो कैसा है। ये वीनस इसके अंदर अंदर है, यहाँ पे यहाँ से नीचे नीचे है, और उसके बाद इसके भी ऊपर एक चीज़ होती है, वो ये होता है आपका अंगूठा, अंगूठे की लंबाई कैसी है। पहला पोर, ये फर्स्ट पोर है, फर्स्ट पोर है ये, इसकी लंबाई कितनी है, और इसके पैरेलल ये आपका सेकंड वाला है, इसकी कितनी है। जो फर्स्ट पोर है ये आपको उकसाता है, हर काम करने के लिए उकसाता है, आपकी विल है ये, आपका कैसा सोचते हैं, आपके सोच के उसको क्रियाशील करने के लिए, उसको वास्तविक स्थिति में बदलने के लिए आप कितने उत्साहित हैं, ये फर्स्ट। और ये पीछे वाला जो बी पार्ट है ना, सेकंड पार्ट, ये आपकी लॉजिक है, आपके पीछे बैठा हुआ आपका कोई बड़ा माँ बाप गुरु जैसा आपको समझाता है कि ये जो काम आप करने जा रहे हैं ये अच्छा है या बुरा है, क्या इसमें आप कामयाब होगे क्या नहीं होगे। ये जो लॉजिक और विल का जो कॉम्बिनेशन है, जिसकी ये आगे वाला भाग ज़्यादा बड़ा होता है पीछे वाले भाग से, वो गलत काम करते हुए, कोई भी काम करते हुए, गलत या ठीक काम करते हुए सोचता नहीं है,
बस किसी की सुनता नहीं है, आगे बढ़ता जाता है। जिसमें ये लॉजिक बड़ा है वो बहुत ज़्यादा बड़ा भी नहीं होना चाहिए लॉजिक, फिर तो कोई काम बंदा अपनी ज़िंदगी में करेगा भी नहीं। लेकिन लॉजिक का भी एक स्थान है, पीछे सियाने बंदे का भी एक स्थान है। लॉजिक आपकी ज़िंदगी में एक बड़ा है, भाई है, बड़ा भाई है, पिता है, माता है, गुरु है, वो जो आपको बताता है कि ये आप जो काम करने जा रहे हैं इसके बारे में थोड़ा सोचिए। तो क्या हुआ, हमने पहले ये देखा कि लॉजिक कैसा है इसका, या इच्छा शक्ति, ये पहला भाग इच्छा शक्ति, पीछे वाला लॉजिक। शादी में बुध पर्वत के ऊपर, छोटी लिटिल फिंगर के नीचे जो बुध पर्वत है उसका उभार कैसा है, उस पर रेखाएँ कैसी हैं। उसके बाद शुक्र पर्वत देखा कि शुक्र पर्वत का उभार कैसा है, इस पर कोई दूषित रेखाएँ तो नहीं है। फिर चंद्र पर्वत पे देखा कि ये आपको कैसी समझ दे रहा है, कितना स्ट्रांग है ये। जिसका मन स्ट्रांग होता है बुरी से बुरी स्थिति में भी वो गलत पंगा नहीं लेता, बाहर निकल के आ जाता है। बुरी से बुरी सोसाइटी में भी चले जाए वो वहाँ से किसी न किसी तरीके से एस्केप करके आ जाता है। जिसका चंद्रमा कमज़ोर होता है वो भावना में बह के सारा काम कर लेता है। ये सारी बातों के अंदर हमने ध्यान देना है। ये करीब करीब 25 तरह की लाइंस हैं, 25 तरह की वैरायटी है इस छोटे से एक इंच के भाग में, जो आपने समझनी है, अच्छी तरह से याद रखनी है, तो उसके बाद आप मैरिज स्पेशलिस्ट हो जाएंगे। मेरा ये दावा है, ये मेरा दावा है, आप ये सब सीखने के बाद आप मैरिज स्पेशलिस्ट हो जाएंगे। आज यहीं पे लेसन नंबर 1 जो पमिस्ट्री का है वो मैं ख़त्म करता हूँ। आशा है मेरी इंट्रोडक्शन टू मैरिज लाइंस आपको अच्छी लगी होगी। यदि अच्छी लगी होगी तो काइंडली लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन का बटन दबाइए, ताकि मेरे जो अगले श्रृंखला के अगले जो लेसन हैं आपके पास उसी दिन पहुँच जाएँ जिस दिन मैं उनको अपलोड करूँ। थैंक यू वेरी मच।